हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, साथ साथ होमवर्क कर रहे होंगे, इन रिएक्शंस को और ये चैप्टर को फॉलो कर रहे होंगे, है ना। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने कुछ आपको दिया था होमवर्क करने के लिए, आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा, ठीक है। बट उसको डिस्कस करने से पहले कुछ और रिएक्शन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम कल वाला होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। और पहले तुम्हें बैलेंसिंग करनी तो आ गई होगी, जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है अभी, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना। और ये बैलेंस करने का रूल कैसे हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले मेटल को करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। चलो करते हैं, इधर देखो Na, इधर देखो पूरी रिएक्शन में मेटल कौन है, Na है, सोडियम इधर एक, इधर एक, बहुत बढ़िया। इधर फिर अगला नंबर आता है आपका नॉन मेटल का, इधर नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, Cl, एक एक है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का, इधर ऑक्सीजन कितनी है, एक, इधर भी एक, बहुत बढ़िया बैलेंस है अभी। अगला नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितनी है, दो, प्रोडक्ट में कितनी है, दो, बहुत बढ़िया। रिएक्शन कैसी है, बैलेंस, तो इसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बैलेंस है ऑलरेडी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होगी। अगली रिएक्शन देते हैं, देखते हैं, देखो इधर मेटल, देखो मेटल इधर BaB है और AlB। अब देखो बच्चों, दो मेटल आ गए इधर तो इसको दो कैसे किया जाएगा, कोई भी मेटल उठा लो, पहले BA उठा लो, पहले BA इधर वन है, इधर भी वन है, बहुत बढ़िया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला मेटल उठा लेते हैं, पहले मेटल को बैलेंस करते हैं ना। अगला मेटल इधर एलुमिनियम है, इधर Al2 है, इधर है Al1, क्यों ना इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर Al हो गए दो, इधर भी Al हो गए दो, BaB वन ही है। अगला नंबर किसका आता है, नॉन मेटल का, नॉन मेटल इधर क्लोरीन भी है और इधर है आपका सल्फर भी, तो पहले किसको किया जाए, किसी को भी कर लो, किसी भी नॉन मेटल को। इधर क्लोरीन आपके कितने हैं, दो, इधर आपके क्लोरीन कितने हैं, 6, क्यों ना इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्लोरीन कितने हो गए, 6, इधर भी कितने हो गए, 6, बट देखो BA चढ़ गया, BA का चेंज हो गया ना, फिर से फर्स्ट स्टेप पे चलो, इधर BA कितने हैं, 3B है, इधर कितने भी हैं, इधर कितने भी हैं, 1B है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, BA इधर कितने हो गए, 3, इधर भी BA कितने हो गए, 3। अगला नंबर दूसरे मेटल का, दूसरा मेटल कौन है, एलुमिनियम, इधर एलुमिनियम 2 है, इधर एलुमिनियम 2 है, एलुमिनियम भी बैलेंस, 2L, बहुत बढ़िया। अब अगला नंबर आता है नॉन मेटल का, इधर नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन या सल्फर, पहले क्लोरीन को उठा लें, पहले कोई भी उठा सकते हैं, क्लोरीन को उठा लो, इधर क्लोरीन कितनी है, 6 Cl है ना इधर, और इधर कितनी है, इधर भी 6 Cl है, बहुत बढ़िया भी बैलेंस है। अगला नॉन मेटल उठाते हैं जो कि है सल्फर, इधर सल्फर कितनी है, S × 3 सल्फर है, इधर भी कितनी है, 3 सल्फर, 3 × S 3 सल्फर, बहुत बढ़िया, तो सल्फर भी दोनों तरफ बैलेंस। अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4 × 3 होल ट्वाइस है ना, इधर 4 है, बार 3 है, तो इसका मतलब होल ट्वाइस का मतलब पूरे ब्रैकेट के बार 3 है, यानी कि इधर सल्फर भी 3 है, ऑक्सीजन 4 × 3 करोगे तो इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, 12, इधर 12 हो गई, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3 × 4, इधर भी ऑक्सीजन है, 12, वाह ये रिएक्शन, वाह बहुत बढ़िया रिएक्शन में बैलेंस हो गई, देख रहे हो मतलब कितनी, बस अप्रोच वही लगानी है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली, बहुत ईजिली रिएक्शन बैलेंस हो रही है ना। अगला देखो इधर मेटल कौन है, Ag, इधर ही मेटल कौन है, Ag बैलेंस है, बहुत बढ़िया। अगला कौन नंबर किसका, नॉन मेटल का, नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन। और तुम्हें ऐसे कन्फ्यूज़न होती होगी कि मेटल कौन होगा, नॉन मेटल कौन होगा, थोड़ा तुम आइडिया से करा करो कि लाइक कौन हो सकता है, कि मेटल Ag हो सकता है, Br हो सकता है, थोड़ा इस तरह से अप्रोच करा करो, धीरे धीरे जैसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो हमें मालूम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इधर Ag1 है, इधर Ag1 है ना। अगला नंबर किसका आएगा, ब्रोमीन का, क्योंकि अकेली वही है नॉन मेटल, इधर ब्रोमीन 1 है, इधर ब्रोमीन 2 है, क्यों ना इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ब्रोमीन 2, फिर से फर्स्ट स्टेप पे आओ, Ag क्या छेड़छाड़ हो गई ना, इधर Ag2, इधर Ag1, Ag को 2 से मल्टीप्लाई करो, Ag2, 2Ag, बहुत बढ़िया। Br2 देखो इधर, Br2, इधर भी 2 को Br, रिएक्शन बैलेंस बहुत बढ़िया। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, इधर मेटल देखो Na भी है, Ag भी है, ठीक है, कोई मेटल उठा लेते हैं, पहले Na उठा लेते हैं, इधर मेटल Na कितना है, 1 Na, इधर भी 1 Na, बहुत बढ़िया। फिर अगला मेटल उठा लेते हैं Ag, इधर Ag कितना है, 1, इधर भी Ag कितना है, 1, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर नॉन मेटल कौन कौन है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, कोई भी पहले उठा लो, इधर क्लोरीन कितने हैं, 1 है, इधर भी क्लोरीन कितने हैं, 1, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत सही है, ये भी बैलेंस है। फिर अगला नंबर नाइट्रोजन उठा लेते हैं, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, ये भी बैलेंस है, बहुत बढ़िया।
अगला नंबर किसका आएगा, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। इधर ऑक्सीजन कितनी है, तीन। इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, तीन। ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, बहुत बढ़िया। फिर से चेक कर लो, Na1 Na1, Cl1 Cl1, Ag1 Ag1, Na1 Na1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन उठाते हैं, देखो मेटल इधर Zn भी है, Ag भी है। पहले किसको उठाएं, किसी को भी उठा लो। इधर Zn1 है, इधर भी Zn1 है, बहुत बढ़िया। अगला मेटल ही उठाएंगे, Ag उठा लो। इधर Ag1 है, इधर भी Ag1 है, बहुत बढ़िया। अगला उठाएंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। बट पहले किसको उठाएंगे, नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन थर्ड नंबर पर आता है। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर कितनी है, 2। Na2 में बाहर 2 है ना, तो इधर नाइट्रोजन कितनी है, 2। इधर 2 है, इधर 1 है, क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई करो। इधर नाइट्रोजन हो गई 2, ठीक है। और इधर नाइट्रोजन कितनी है, 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस देखो, Ag से छेड़छाड़ हो गई, फिर से फर्स्ट स्टेप पे चलो। Zn1 है, Zn1 है, Ag कितनी है, 2। इधर Ag कितनी है, 1। इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, Ag2 Ag2, इधर Ag बैलेंस। अगला नंबर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितनी है, O3 × 2 6 ऑक्सीजन। इधर कितनी ऑक्सीजन है, O3 × 2, क्योंकि बार वोल्ट वाइज है ना, तो नाइट्रोजन भी दो, ऑक्सीजन 3 × 2 6, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 600। तो देखो सब बैलेंस है। Zn कितने हैं, 1 1, Ag कितने हैं, 2 Ag 2 Ag, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन कितनी है, 2n, नाइट्रोजन कितनी है, 2n, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कितनी है, 2 × 3 600। और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3 × 2 600। ये रिएक्शन बैलेंस बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, जो NCERT क्वेश्चन दिए थे उन्हें डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, और बच्चों NCERT के क्वेश्चन ना हम बीच बीच में ही करते रहेंगे, क्योंकि फिर बाद में चैप्टर के बाद करने का क्या फ़ायदा। जो सा टॉपिक चल रहा है उसके NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे NCERT के बीच के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, इन टेक्स्ट NCERT क्वेश्चन, वो भी सॉल्व कर लेंगे। जो जो मतलब टॉपिक के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो टॉपिक से हो, चाहे NCERT से हो, चाहे कहीं से हो, टॉपिक के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग चल रहा है, तो इसलिए NCERT का वही वाला क्वेश्चन उठा लिया। देखो बच्चों, इधर मेटल कौन है, इधर Ca मेटल है ना, HNO में से तो और कोई नहीं है OH में से, तो इधर मेटल कौन है, कैल्शियम। Ca इधर कौन है, 1। इधर भी Ca कितना है, 1, बहुत बढ़िया। Ca 1, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा नॉन मेटल का। नॉन मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों है, बट ऑक्सीजन का नंबर थर्ड पे आता है, हाइड्रोजन का फोर्थ पे आता है। तो इधर अगला नंबर किसका आएगा, नाइट्रोजन का। इधर नाइट्रोजन कितनी है, 1। इधर कितनी है, नाइट्रोजन है इधर, Na2 2 2n, तो क्यों ना इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर नाइट्रोजन कितनी होगी, 2। इधर भी कितनी है, 2, बहुत बढ़िया। फिर से कैल्शियम पे चलते हैं, मेटल पे, कैल्शियम 1 नाइट्रोजन 2 बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर कितनी है, O3 × 2 6 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3 × 2 6 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा आपका हाइड्रोजन का, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, H2 × 2 2H, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2H। अरे वाह, तो एक बस 2 लगाना इसी बैलेंस हो गई। फिर से देखो बैलेंस है नहीं है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे, मेटल से, Ca1 है, ठीक है बच्चों। अगला नंबर नॉन मेटल का, N इधर 2 था, इधर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन 2N 2N, बहुत बढ़िया। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2 × 3 6 2 × 3 6 600, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा हाइड्रोजन का। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2। इधर भी हाइड्रोजन कितनी है, 2, बहुत बढ़िया। रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस्ड। आगे चलते हैं, मेटल उठाते हैं। मेटल इधर कौन है पूरी रिएक्शन में, Na सोडियम। Na इधर 1 है, इधर Na2, बैलेंस करो इसे, 2Na 2Na, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, नॉन मेटल का। नॉन मेटल कौन है, सल्फर, जिसको हम उठाएंगे। सल्फर इधर 1 है, इधर है 1, बहुत बढ़िया। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 5, सॉरी इधर है 6, 2 × 2 2 + 4, कितनी ऑक्सीजन होगी इधर, 600। इधर ऑक्सीजन देखो कितनी है, 4 + 1 5, क्यों ना इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों ना इसे 2 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। अब अगला नंबर हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 × 2 2 2H + H2, और हाइड्रोजन कितनी है, 4H। इधर भी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 × 2 2 4H, हाइड्रोजन बैलेंस। एक बार रिएक्शन को फिर से चेक करो। इधर सोडियम कितने हैं, 2N है,
2N है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर सल्फर का, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर कौन किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2 हो, 2 हो, बहुत बढ़िया। अगला नंबर हाइड्रोजन का, इधर कितने, 2H इंटू में एच टू, 4H, 4H है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन, 2 इंटू में H2, 4 हाइड्रोजन। ये भी रिएक्शन बैलेंस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये है तुम्हारा लाइक NaCl गिवन है, ठीक है बच्चों। तो इधर मेटल देखो तुम्हारा, Na भी है, Ag भी है। मेटल से स्टार्ट करेंगे ना, मेटल नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। Na भी है, Ag भी है, पहले कोई भी उठा लो, पहले Na उठा लेते हैं। Na इधर कितना, 1, 1, बहुत बढ़िया। Ag इधर कितना, 1, Ag इधर कितना, 1, बहुत बढ़िया, दोनों मेटल बैलेंस। अगला नंबर आपका नॉन मेटल का, नॉन मेटल इधर क्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी है, कोई भी उठा लो, क्लोरीन उठा लेते हैं। क्लोरीन इधर 1, इधर भी क्लोरीन 1, बहुत बढ़िया। अगला नाइट्रोजन उठा लेते हैं, नाइट्रोजन इधर 1, इधर भी नाइट्रोजन 1, बहुत बढ़िया। अगला नंबर ऑक्सीजन का, इधर ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, बहुत बढ़िया। पूरी रिएक्शन बैलेंस फिर से चेक कर लेते हैं, Na1 Na1, Cl1 Cl1, Ag1 Ag1, N1 N1, O3 O3, बहुत बढ़िया। रिएक्शन बैलेंस्ड, मतलब ऑलरेडी बैलेंस, ऐसे तो कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट रिएक्शन जो आज की है हमारी, इधर Ba1 मेटल भी है ना, Ba1 Ba1। अगला नंबर नॉन मेटल का, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, कोई भी उठा लो, क्लोरीन इधर 2 है, इधर है 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस। Ba1 है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। अगला नंबर सल्फर का, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4, इधर भी कितनी है, 4, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो बच्चों ये देखो, ये भी कितनी इजीली बैलेंस हो गई, ये तुम्हारी NCERT का एक क्वेश्चन डन। देखा ना कितना इजीली हो गया, बस तुम्हें मालूम होना चाहिए किस तरह से बैलेंस करना है। फिर से रीचेक कर लो चाहे तो, Ba1, अगला नंबर किसका था, क्लोरीन का, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, कितनी ईजिली बैलेंस हो गया ना बच्चों। तो बच्चों प्लीज़ साथ साथ फॉलो करते रहना, ठीक है बच्चों। अभी मैं इसके साथ एक होमवर्क अटैच कर रहा हूँ, अगर तुमसे हो पाए तो ठीक है बच्चों, मतलब जस्ट ट्राई कर लेना एक बार, क्योंकि वो अभी तक हमने डिस्कस करा नहीं है, बट एक बार अगर हो पाए तो करना, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।